नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। बीजेपी के फायर ब्रिगेड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। जी हां, दरअसल गिरिराज सिंह ने पीओके को लेकर एक नया नारा दिया है, जिसके बाद से पाक की तिलमिलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि अब की बार उस पार लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजनीति से दूर हुए गिरिराज सिंह अब इस बयान को लेकर सक्रिय हो गए हैं। चलिए हम भी बात करते हैं गिरिराज सिंह के इस बयान पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति से कोसों दूर थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत सरकार ने अपने कड़े रुख को स्पष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बयान आने के बाद अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीओके को लेकर एक नया नारा दिया है, जिसको लेकर गिरिराज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अखंड भारत की आकांक्षा उनके नेताओं ने समय समय पर जताई है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 6 अगस्त को लोकसभा में कहा था कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल के नेता के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ वार्ता बहाल किए जाने को लेकर सोमवार को कहा है कि पाकिस्तान के साथ किस मुद्दे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ अब बात होगी तो पीओके पर होगी और कोई मुद्दा बचा ही नहीं। ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि धारा 370 और 35A हटने से हमारा एक पड़ोसी बौखला गया है और दुनिया के तमाम देशों का दरवाजा खटखटा रहा है। कुछ लोग ये मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मगर जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता कोई बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात भी होगी तो पीओके पर होगी। धारा 370 और 35A हटने से हमारा एक पड़ोसी बौखला गया है। कुछ लोग ये मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मगर जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तो उससे कोई बात नहीं होगी। अब अपने वरिष्ठ नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीओके को लेकर एक नया नारा दे दिया। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि जय कश्मीर जय भारत, अब की बार उस पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आने के बाद केंद्रीय मंत्री का लगातार बयान दिए जाने के कई माने निकाले जा रहे हैं। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को भी वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित भागवत कथा के बाद अनुच्छेद 370 को लेकर कहा था कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।